हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपना एसएससी जीडी भर्ती 2024 की यहाँ पर तैयारी में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2024, इसके अंदर पोस्ट प्रिफरेंस क्या चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके साथ साथ रिजल्ट आपका कब आने वाला है, फिजिकल कब होगा, और जो ऑनलाइन आरटीआई है इसका क्या रिप्लाई है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बता देता हूँ पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब होता है पद वरीयता, मतलब जब आपका एसएससी जीडी के अंदर कोई पोस्ट के अंदर सिलेक्शन होता है तो वो आपका पोस्ट प्रेफरेंस के आधार के ऊपर होता है। मतलब जैसे आपने एक नंबर के ऊपर जो पोस्ट लगाई है, अगर आपका उस कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर लेते हैं और वो आपको मिल जाती है तो वो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आपको मिलती है। तो ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये पोस्ट प्रेफरेंस चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपका कॉमन डाउट है कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी है और उसको पहले भर देंगे तो क्या नौकरी पक्की है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपकी जैसे ज्यादा वैकेंसी किसके अंदर है, सीआईएसएफ के अंदर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,025 वैकेंसी है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी है और उसको पहले भर देंगे तो क्या नौकरी पक्की है, तो नहीं, नौकरी पक्की नहीं होगी। नौकरी पक्की कब होगी, जब आप उसकी कट ऑफ को क्वालिफाई कर देंगे। और वो आपको पोस्ट कब मिलेगी, जब आपने उसको एक नंबर के ऊपर पद की वरीयता दी है, मतलब पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर एक नंबर के अंदर अगर आपने उसको लगाया है और उसकी कट ऑफ को आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप यहीं पर लिखा हुआ है, इसमें अगर आपको ये नंबर कम है तो कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तो ही आपको पोस्ट मिलेगी। इसके बाद में अगर नंबर आपके ज्यादा है तो पोस्ट प्रेफरेंस आपने पहले बढ़ी है वही आपको मिल जाएगी। मतलब आपने अगर पोस्ट प्रेफरेंस, मतलब आपके जैसे नंबर बढ़िया है और आपने एक नंबर पे जो भी पोस्ट लगाई है उसकी कट ऑफ पे अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो वही आपको पोस्ट मिलने वाली है। ठीक है फ्रेंड, जो एक नंबर पे आपने लगाई है। तो ये होता है पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब। इसके बाद में अब यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपके एसएससी जीडी भर्ती 2024 के अंदर ये सारी पोस्टेज है और इनके कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे बीएसएफ ए, सीएसएफ बी, सीआरपीएफ सी, एसएसबी डी, आईटीबीपी, असम राइफल एप और एसएसएफ एच। तो यहाँ पर क्या है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस सीरियल वाइज बनना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, अभी आपके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं तो अब तो इस क्वेश्चन का कोई भी जवाब नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको अपनी इच्छा के हिसाब से बनना चाहिए कि आप कौन सी पोस्ट में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको पोस्ट प्रेफरेंस लगाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे मान लीजिए मैं एसएसबी में जाना चाहता हूँ और इसका कोड डी है तो इसको यहाँ पर मैं एक नंबर के ऊपर लगाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ उदाहरण से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि पोस्ट प्रेफरेंस आपको किस प्रकार से मिलती है, किस प्रकार से आप भरते हैं। जैसे आपने कोई भी पोस्ट लगाई है, जैसे आपने बीएसएफ लगाई है एक नंबर पर या फिर मान लीजिए एसएसबी लगाई है, तो ये आपको किस प्रकार मिलती है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए आपका 160 नंबर का पेपर होता है और एसएसएफ की कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई है, 115 नंबर पे गई है, और बीएसएफ का कट ऑफ कितने नंबर पे गया है, 114 नंबर पे गया है, और आपका स्कोर 120 है और आपने एक नंबर पर कौन सी लगाई है, बीएसएफ लगाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक नंबर पर आपने बीएसएफ लगाई है, आपका नंबर कितना है, 120 है, और बीएसएफ का कट ऑफ कितना गया है, 114 गया है, तो आपको एक नंबर पर बीएसएफ आसानी से मिल जाएंगी। अब मान लीजिए यहाँ पर आप अगर बीएसएफ की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करते हैं तो दो नंबर पे जो पोस्ट लगाई है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए दूसरी पोस्ट में भी आपका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो इस हिसाब से तीसरी, और अगर तीसरी नहीं तो चौथी, चौथी नहीं तो पांचवी पोस्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ये एक उदाहरण आप समझ गए होंगे। अब दूसरा समझिए, जैसे आपके 160 नंबर का पेपर होता है और एसएसएफ का कट ऑफ 115 गया है, बीएसएफ का कट ऑफ यहाँ पर 90 गया है और आपका स्कोर यहाँ पर 95 है और आपने दो नंबर पर बीएसएफ लगाई है, तो अगर आपको एसएसएफ नहीं मिला तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी जॉब नहीं मिलेगा। अब यानी यहाँ पर समझिएगा, जैसे आपने एक नंबर पर एसएसएफ लगाई है और दो नंबर पर बीएसएफ लगाई है और आपका एसएसएफ का कट ऑफ कितना गया, 115 गया है और आपका स्कोर कितना, 95 है, तो आपको अगर एसएसएफ नहीं मिली तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको नीचे वाली पोस्ट मिल जाएगी दो नंबर पर जो लगाई है। मतलब जैसे आप कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो, कट ऑफ आप क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे आपने पहली कट ऑफ, आपने पहला पोस्ट बीएसएफ भराया और अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये मिल जाएगी। अगर मान लीजिए पहला पोस्ट आपने बीएसएफ भराया, आपका नंबर, आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं बीएसएफ की, तो दूसरी वाली आपको पोस्ट मिल जाएगी।
जो आपने पोस्ट प्रिफरेंस के अंदर लगाई है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे, तो इस हिसाब से आपका ये पोस्ट प्रिफरेंस मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सवाल है कि क्या पोस्ट प्रिफरेंस चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये तो आ गया आपका छुट्टियां वगैरह की, जैसे किसमें कितनी कितनी छुट्टियां होती है, बीएसएफ में कितनी होती है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 15 सीएल होती है और 60 आपकी वो अतिरिक्त इसमें छुट्टियां होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर पोस्ट प्रिफरेंस का ध्यान से देखिएगा, एक आरटीआई है, ये इसका वीडियो मैंने एक बार बहुत पहले बनाया था, आपको अच्छे से समझाया था कि अब बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि क्या सर पोस्ट प्रिफरेंस चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो फिर ध्यान से देखिएगा, एक कैंडिडेट है यहाँ पर, इस कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना आरटीआई लगाया था 8/1/2020 को, और इसने पूछा था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से कि क्या कि रिस्पेक्टेड सर एसएससी जीडी विल बी देयर ए चांस टू चेंज द पोस्ट प्रिफरेंस एट द टाइम ऑफ मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि सर क्या एसएससी जीडी पोस्ट प्रिफरेंस चेंज करने के लिए एक चांस देता है या नहीं मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। ठीक है फ्रेंड, अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसका आरटीआई का रिप्लाई भी आया है, ये आप देख सकते हैं। इस यहाँ पर अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ है कि हाँ आप दूसरी बार पोस्ट प्रिफरेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो समय कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के समय। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक शर्त और रखी गई है कि अगर आप पोस्ट प्रिफरेंस मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेंज करते हैं तो उसका लास्ट डिसीजन है वो कमीशन के ऊपर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के ऊपर होगा कि वो आपकी जो अपील है, जो पोस्ट प्रिफरेंस आपने मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेंज करवाई है उसको मान्य करेगा या रद्द करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कर तो सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, जब मेरा 2018 की वैकेंसी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ था तो हमारे समय मेडिकल के समय पोस्ट प्रिफरेंस चेंज हो रही थी, बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना पोस्ट प्रिफरेंस चेंज कराया था, लेकिन बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी क्या हो रहा है, 2019-20 जितनी भी अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, उसके बाद की 2018 के बाद जितनी भी एसएससी जीडी की वैकेंसी हो रही है उनमें क्या है, अभी पोस्ट प्रिफरेंस चेंज नहीं कर रहे हैं। जितने भी आप देख लेना, जैसे आप मेडिकल के समय जितने भी सेंटर वगैरह होते हैं, आप अगर उन अधिकारी वगैरह से आप बोलोगे कि सर मेरे को पोस्ट प्रिफरेंस चेंज करना है तो वो साफ साफ मना कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक चीज यही होती है कि वहां पर मेडिकल के समय जो स्टाफ होता है, जैसे एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ वगैरह, कोई भी आपका स्टाफ होता है उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपके पोस्ट प्रिफरेंस चेंज करवाए या नहीं करवाए। अगर चेंज करवा देते हैं तो लास्ट डिसीजन आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, आपका रिजल्ट है वो मई के सेकंड वीक में आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। मई के सेकंड वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और आपका जो फिजिकल है वो कब से कंडक्ट होगा, जून के सेकंड वीक में आपका मेडिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत कम समय है, फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।